बिहार में दहेज प्रथा के खिलाफ नीतीश सरकार ने भले ही अभियान चला रखा हो, लेकिन इस प्रथा की शिकार महिलाओं की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। आग में झुलसकर मरने वाली बेटियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इटाड़ी थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में एक महिला को दहेज लोभी ससुराल वालों ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। दरअसल शादी के बाद से ही महिला का पति दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग कर प्रताड़ित करता था। मांग पूरी न होने पर पति ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला अपने मायके जाकर रहने लगी। लेकिन पति की हैवानियत अभी भी कम नहीं हुई। उसकी सोच बेहद ही खौफनाक कदम उठाने की थी। हरेंद्र ने अपने ससुराल पहुंचकर सोई अवस्था में ही पहले पत्नी को तेजाब से नहला दिया और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना के बाद शोर मचाने पर आरोपी पति तुरंत मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। बर्न का है, समझे ना, और पीठ और बांह, ये पैर बचा हुआ है, एक पैर बायां वाला, और पूरा शरीर जला हुआ है। कितना माना जाए, कितना प्रतिशत जले हुए हैं? मतलब 50-60% से ज़्यादा ही हुआ। इतने दिन में है? हाँ नहीं, ये गंभीर होता है, 50% सुपर गंभीर होता है। किस चीज़ का हमला हुआ है? ये तो बर्न इंजुरी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन होगा, है ना। अभी तो हम तो अभी देखे हैं, मामला तेजाब से जुड़ा है सब पता। हाँ, बता रहा है लोग कि हिस्ट्री दिया है कि पेट्रोल और तेजाब दोनों से उसको जलाया गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। पहले डुमरावा थाना की एक महिला के संबंध में जब पता चला कि उनको तेजाब से जला दिया गया, अभी वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी उनकी हालत कंट्रोल में है। इस संबंध में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए छापा मारने का आदेश दिया गया है, और अभी तक वहाँ पे जो महिला जिन पे आरोप लगाई है, अपने पति पे आरोप लगाई, पति के घर में छापा पड़ रहा है और बहुत जल्द गिरफ्तारी का सूचना। दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ मामला है? महिला ने जैसा बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग तो दहेज से ही जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। दहेज प्रथा समाज के लिए एक बड़ी कुरीति है, जिसे जड़ से मिटाना जरूरी है, लेकिन इस कुरीति के खिलाफ सरकार को और ज्यादा सख्त रुख अपनाना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।